हमारा नाम रूपाली है। बिहार में बांका जिला में बौसी नाम का छोटा सा गांव था हमारा। दादा परदादा के जमाने से हमारा पूरा परिवार उस गांव में बसा हुआ था। फिर भी एक दिन उस गांव को छोड़ने की नौबत आ गई। और करते भी क्या, उस शैतान ने पूरा परिवार तबाह कर दिया था हमारा। न रात को चैन था न दिन को सुकून। हर वक्त डर में जीते थे कि न जाने कौन सी घड़ी मौत हमारा दरवाजा खटखटा दे। जोर जोर से बांधो राजू, जोर से। छोड़ेगा नहीं राजू, कस के और कस कस। अरे राजू, सामने से नहीं पीछे से बांधो राजू। चाचा कस के। चाचा यही रहना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ, बस ऐसे ही रहना, कहीं मत जाना। जल्दी जल्दी राजू। फाइल्स में आज देखिए बिहार के गांव में घटी एक सच्ची घटना। गांव की हवा में भटक रही है ये काली शक्ति, ना जाने उसका अगला निशाना कौन होगा। कैसे एक एक कर जा रही है मासूम गांव वालों की जान, एक अकेली माँ या अपनी दोनों बेटियों को बचा पाएगी, या फिर उस काले जादू से पैदा हुआ भूत उन पर भारी पड़ेगा। जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें। मुक्ति चाहिए। चाचा चाचा चाचा, मास्टर जी, मास्टर जी। अरे क्या हुआ राजू, तुम इतनी रात गए? सब सत्यानाश हो गया। क्या हुआ? शंभू काका को फिर से दौरा पड़ गया है। क्या? हाँ, वो चले गए मास्टर जी। किस तरफ गए हो बताओ? बस इधर से। चलो हम आ रहे हैं। राजू, तुमने नहीं यही पे आते देखा? हाँ मास्टर साहब, वो इसी तरफ गए। वो परसों रात को सुबोध के खेत में पहरा देने के लिए गए थे, साथ में मैं भी था। वो कुछ अजीब हरकत कर रहे थे। तुम ही कुछ करो, मार दो मुझे और दर्दनाक दो। एक मिनट, मुझे लगता है कि उनकी मानसिक हालत बहुत खराब है, हमें उन्हें जल्द से जल्द मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। शंभू
रुकिए शंभू काका। शंभू चाचा ये क्या कर रहे हैं आप? चाचा शंभू काका हम आपको अस्पताल ले जाएंगे, रुकिए शंभू काका। शंभू काका रुकिए, शंभू काका। शंभू चाचा शंभू काका ये क्या कर रहे हैं आप? तुम मुझसे लेने आए हो जिसे मैंने कब्जे में किया हुआ है। शंभू काका, शंभू काका, शंभू काका, शंभू काका, शंभू काका, शंभू काका, मास्टर जी शंभू काका मर गए। इनके हाथ पे निशान कैसा है? राजू तुम वहां क्या देख रहे हो? मास्टर जी जो हम लोग आए थे तो शंभू काका उधर ही देख रहे थे। छोटी दीदी मुझे ऐसा लगा कि कोई है। क्या फिर से कोई सपना देखा होगा? क्या छोटी सोने भी नहीं देती? नहीं दीदी मैंने सपना नहीं देखा, मुझे सच में ऐसा लगा कि किसी ने। ये शोर कैसा? गांव में क्या हुआ? इतना साल से अकेले रह रहे थे, पता ना कौन भूत सवार हुआ उन पर पिछले 3 दिनों में। सही कहा, ये भूत ही था या फिर बुरी शक्ति कह सकते हो। शुल्भा चाची क्या हो गया आपको और आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हमने आपसे कितनी बार कहा है कि आप ऐसी बातें मत कीजिए। देखिए गांव वालों ये भूत भूत कुछ भी नहीं होता, ये हमारा अंधविश्वास है। क्या मिला आपको ये सब करके? हाँ खोल दी ना डर की दुकान, क्या होगा? खामखा लोग डरेंगे और रात को भूतों की बातें होंगी। देखिए शंभू काका बीमार थे, हमने आप लोगों से कितनी बार कहा उन्हें अस्पताल ले चलो, लेकिन किसी ने हमारी एक भी नहीं सुनी और वो बेचारे चल बसे। आप लोग भी अपने अपने घर जाइए और आराम कीजिए, चलिए हम भी आपको छोड़ के आते हैं। किताबों में ना लिखा हो तो जरूरी नहीं कि भूत होते नहीं। समझ गए मास्टर जी, ये इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। गांव की हवा में भटक रही है ये काली शक्ति, ना जाने उसका अगला निशाना कौन होगा। अरे आप हमारी बात का यकीन कीजिए, हमारे गांव में कुछ नहीं है, कोई भूत नहीं है। और डरिए मत, बिल्कुल कुछ नहीं है हमारे गांव में, हमारा गांव ठीक है। नहीं नहीं कुछ तो बात है, सुलभा चाची पता नहीं क्या कहने जा रही थी। अरे सुलभा चाची बुढ़ी हो गई हैं, अब उनके बात पर तुम भी विश्वास करने लगे? इस उम्र में लोग इसी तरह की बातें करते हैं, तो आप भी उनकी बात पर विश्वास करेंगे? बेचारे अविनाश सर, अंधविश्वास के खिलाफ उनकी कोई नहीं सुनने वाला यहाँ पे। और दीदी अगर सुलभा नानी की बात सच हो गई तो मैंने भी कुछ महसूस किया है, याद है
जब हम सामान लेने के लिए किराए की दुकान पे गए थे। जल्दी चल, माँ परेशान हो रही होगी। रूपाली, रूपाली। अरे ये क्या कर दिया छोटी, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? चल क्या कर रही है? क्या भूत है वहां? छोटी डरना बंद कर, अगर वहां से कोई आवाज आती तो मुझे भी सुनाई देती ना। चल अब घर, माँ बहुत इंतजार कर रही होगी, लेट हो रहा है हमें। चल अरे माँ आप कहाँ जा रहे हो? अरे तो और क्या करती, तुम दोनों तो उधर तमाशा देखने चली गई थी। इधर खबर आई कि 2 दिन तक कुआं बंद रहेगा, वीडियो वाले दवाई डालने वाले, तो आज ही भरना पड़ेगा। अरे माँ लाओ बाल्टी, लाओ मैं भर लेके आ, छोटी जा और बाल्टी लेकर। हाँ। नहीं तुम दोनों रहने दो, वैसे भी शाम होने वाली है, मैं ही लाती हूँ। अरे माँ आप क्यों परेशान होते हो, आप घर जाओ हम भर के लेके आते। दीदी दीदी चलो। रूपाली कहाँ जा रही है तू? माँ वो मुझे ऐसा लगा कि कोई बुला रहा हो। बुला रहा है? कौन है यहाँ पे? हाँ देखो कोई भी तो नहीं, और इतनी रात को अकेली मत जाया करो, समझी? मुझे लगा कि बाऊजी लौट आए हो तो। पगली, बाऊजी तो दुबई में, कैसे आएंगे? चल सोने चल। Thank you.
सोनाली, सोनाली, सोनाली। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? माँ, दीदी अभी छत से गिरने वाली थी। हाँ? इतना झुकने को किसने कहा था? सोनाली माँ। हाँ? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे वहां से बुला रहा है। बुला रहा है? जैसे कोई मुझे बुला रहा था वैसे? ऐसे कैसे हो सकता है? कल रात से तुम दोनों के साथ क्या हो रहा है? देखो, आज तुम दोनों स्कूल नहीं जाओगी, बस। नहीं माँ, स्कूल तो जाना होगा। अविनाश सर को जरूर इस बारे में कुछ पता होगा। चल छोटी। हाँ। जाओ। चलो दीदी। दीदी, आपने छत पे क्या देखा? वो आंखें? कुछ नहीं छोटी, चल मुझे अविनाश सर से बात करनी है। आना पड़ेगा तुम्हें मेरे पास। अब तक कोई नहीं बचा है, तुम भी नहीं बचोगे। देखो क्या हुआ। दीदी, दीदी क्या हुआ, क्या देखा? पागल लड़की। क्या हुआ? कुछ नहीं छोड़ी, चल मुझे अविनाश सर से बात करनी। क्या देखा आपने? देखो सोनाली, पहली बात तो यह कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि तुम कह रही हो कि तुमने उसे छत पे देखा, तो क्या देखा तुमने छत पे? जी सर, वो उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें थी, पूरे हाथ झुर्रियों वाले थे और उसके पंजे भी बहुत बड़े बड़े थे। और सर, अभी रास्ते में आते हुए भी देखा। एक मिनट, कहीं उसके पंजे ऐसे तो नहीं थे? से दूर भाग रही हो, ले लो अपनी जान। एक बार उसकी आहट का जवाब दे दिया तो मुक्ति मिलेगी सिर्फ जान देकर। सोनाली, क्या हुआ तुम्हें? सोनाली, जरा देखिए। क्या हुआ? सोनाली, नीचे बिठाइए। बिठाइए, संभल कर। सर, अब क्या हुआ दीदी को? कुछ नहीं हुआ बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। माँ से भी कहना घबराने की जरूरत नहीं, हम शहर जाकर अच्छा डॉक्टर लेकर आते हैं, ठीक है? आप जरा ध्यान रखिए। दीदी, अभी दुबई जाना था, पूरे दिन फोन बंद रखते हैं। सोनाली एकदम शंभू चाचा की तरह बातें करने लगी है। आजादी पाने का एक ही रास्ता है, मौत, मौत। चल, चलो। सोनाली, आजादी पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मौत। माँ, मुझे बचा लो। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, ये शैतान मेरे अंदर है,
माँ ये मुझे मार डालेगा माँ। रस्सी लेके आओ, इनको भी बांधना होगा समूह काय की तरह। जल्दी जाओ। अब तो पापा के पास ही जाना पड़ेगा, और तो वो शायद कुछ कर पाए। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? वो पास के गांव में जा रहा हूँ, वहाँ एक बहुत बड़े तांत्रिक बाबा रहते हैं, अब तो शायद वो ही कुछ कर सकते हैं। रुक जा बिरजू, कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है। हम शहर गए थे ना डॉक्टर साहब को लेकर आए, कहाँ है सोनाली? ओ कमरे में। हाँ डॉक्टर साहब, ये देखिए। ये क्या है? हाँ ये पेशेंट को क्यों बांध के रखा है? कोई जंगली जानवर है क्या ये? जल्दी खोलो खोलो। सोनाली बेटा यही नाम है ना तुम्हारा? देखो सोनाली तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। भरोसा? तुझ पे भरोसा? भूल गया सरकारी अस्पताल की नर्स पूजा जिसे तू प्रेग्नेंट करके भाग गया था? ये तुम्हें कैसे? हाँ तुम ये क्या बकवास कर रही हो? बकवास मैं कर रही हूँ? बकवास तू नहीं करता, नेताजी को काउंसलिंग के नाम पर बकवास करता रहता है और हर घंटे की कीमत लेता है। मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, मैं चलता हूँ। इसको ना इसको बांध कर रखना। सुनिए डॉक्टर साहब। मास्टर जी अब तो बुलाने दोगे ना बाबा जी को? माँ उस दिन सुरभा नानी कुछ कह रही थी, उन्हें कुछ पता है लेकिन सर ने उन्हें बताने नहीं दिया। इसे निशी कहते हैं। बचपन में माँ बाप हमारा मुंह बांध करके सुलाते थे ताकि हम नींद में निशी का जवाब ना दे बैठे। ये निशी क्या है? इसे काला जादू कह सकती हो, जो किसी बुरे शैतान का किया है। वो बुरी शक्ति को नारियल में बुला सकता है। वो शक्ति रात भर भटकती रहती है किसी एक इंसान का नाम लेके। अगर उसने जवाब दे दिया तो उस रात रूपाली को भी कोई कोई बुला रहा था और तो फिर सोनाली। एक बार उसने जवाब दे दिया तो अगले 3 दिनों में वो अपनी खुद की जान लेने के लिए मजबूर हो जाता है। पर वो ऐसा क्यों करेगा? पैसे के लिए। और क्या बहू, कहते हैं जब वो इंसान अपनी खुद की जान ले लेता है तो वही जान नारियल के पानी में आ जाती है। वो नारियल पानी अगर मरते हुए को पिला दिया जाए तो वो बच जाता है। चाची, चाची मैं कैसे बचाऊं? कोई तो उपाय होगा। से ढूंढो जो निशी को बुला रहा है। कहाँ ढूंढूं मैं? कौन पता घर पे बैठ के क्या कर रहा होगा? अपनी बेटी को बचाओ, उसे बांध के रखो, कमरे में बंद रखो, उसे जिंदा रखो। अरे नहीं 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 नहीं, कोई आओ जल्दी आओ। सुनाली, अरे सुनाली, सुनाली। सुनो, पर मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जो 3 दिनों तक बच पाया हो। भाभी
भाभी सोनाली भाग गई भाभी। माजू क्या कह रहे तुम? वो तुम्हारी आँख, उसमें खून कैसा? मास्टर जी वो बहुत भयानक हो गई है मास्टर जी। भाभी चलो भाभी। चले भाभी। निशी के बारे में ज्ञान बांटने का बहुत शौक है। नहीं पता शशांक सबसे पहले उसी को मारता है जो उसके रास्ते में आता है। बेटी ने सुलभा नानी सुनाली शैतान की मत सुना, उसे जीतने मत देना। तेरी नहीं सुनेगी बुढ़िया, ये सिर्फ मेरी सुनेगी और करेगी वही जो मैं चाहता हूँ। और सबसे पहला काम रास्ते के कांटे को हटाना। चाची वो सोनाली, चाची आपको पता है क्या वो सोनाली? चाची जल्दी आइए, वहां झाड़ियों के पीछे वहीं जहां समूचा चाचा मरे थे। जल्दी आइए। सुभा चाची बड़े ही भयानक शक्ति का प्रकोप है इस बच्ची पर। अंदर है उसके तोड़ देगी, पर ये डोरी नहीं तोड़ेगी। भाभी जी क्या हो रहा है? सब कुछ क्या हो रहा है? तांत्रिक डोरी से बांधा हुआ है सोनाली को। कुछ नहीं हुआ है सोनाली को, मेरा यकीन कीजिए, कुछ भी नहीं हुआ है। उसकी मानसिक हालत खराब है, हमें उसे जल्द से जल्द मेंटल हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ेगा, ठीक हो जाएगी वो। और आप ये तांत्रिक और सब कुछ क्यों भाभी क्यों? मास्टर जी आपने देखा ना वहां क्या हुआ है उसके साथ। आ
आज रात उसे अकेले रहने देना। और किसी एक को जागना चाहिए बाहर। ठीक। गांव वाले हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? तांत्रिक को बुला दिया, हम तो उनकी भलाई के लिए सोच रहे हैं। क्या हो गया गांव वालों को? तांत्रिक बुला दिया, डोरी बांध दी, ये सब से काम खत्म नहीं हुआ है तेरा। उसकी जान गई नहीं है, तुझे उसकी जान लेनी है। और तुझे रोकने के लिए उन्होंने एक तांत्रिक को भी बुलाया है। अब हमें कुछ और ही सोचना होगा। छोटी छोटी। हाँ दीदी आई। हाँ दीदी, कुछ चाहिए? पानी चाहिए? तो क्यों बुलाया? आखिर तूने मेरे बुलावे का जवाब दे ही दिया। नहीं, नहीं, यह संभव ही नहीं है। उस कमरे से लड़की डोर काट के जा ही नहीं सकती। उसे छुरा कहां से मिला? भंग करो अपने बकवास। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी एक होनहार बच्ची मारी गई। क्या कसूर था सोनाली का? हमने आप लोगों से कहा था ना कि उसे अस्पताल में भर्ती करो, नजर में रहती बच जाती हमारी बच्ची, लेकिन आप लोगों ने हमारी एक भी नहीं सुनी। इस ढोंगी पर भरोसा किया। ढोंगी है ये ढोंगी। मैं ढोंगे नहीं हूं। सोनाली को किसी ने तो छुरा दिया है। तूने गलत किया, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। रूपाली, रूपाली बेटा, रूपाली बेटा, रूपाली, रूपाली बेटा, क्या कर रही हो? गलत किया छोटी ने। परी को मारने में उसने मदद की।
बेटा, इसलिए तो सजा दे रहा हूँ। क्या हुआ पंडित, रोकेगा भी नहीं? रोक ना, रोक। अगले 3 दिन तक, नहीं तो मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी। वो देखो, वो खड़ा, बचा लो मुझे मां। रिक्शा, रिक्शा, भैया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चलोगे? बैठे ना मास्टर जी, कोई बीमार है क्या? नहीं नहीं कोई बीमार नहीं, जल्दी चलो। जल्दी चलो। देखिए ना, बाबा जी कोशिश कर रहे हैं, इस बार कोई ना कोई चमत्कार कर ही देंगे। कुछ नहीं होगा, शायद मेरी दूसरी बेटी के साथ भी मेरे पापों की सजा वो उन लोगों को मिल रही है। पता नहीं कौन ये सब कर रहा है, क्यों? चल पैसे निकाल। ये क्या, इसमें तो पूरे 5,000 रुपए कम है। तेरे बेटे की जान बचाई मैंने, उसके बावजूद तुम मुझे पैसे कम दे रहे हो? मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जान देने की क्षमता रखता हूँ तो जान ले भी सकता हूँ मैं, समझा? नहीं समझा, जरा दिल्ली में गलती होगी। चल जल्दी, बहुत पूजा करनी है, बहुत ग्राहक है मेरे, और आइंदा उशारी मत करना, समझे? भाभी एक बात कहूं, ये तंत्र मंत्र से कुछ नहीं हो रहा तो मास्टर जी की बात ही मान लेते हैं। शायद वो सही कह रहे हैं, हमें अस्पताल जाना होगा। वो अस्पताल में उनका काफी जान पहचान है, वो अक्सर जाते रहते हैं भाभी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल? मास्टर जी अस्पताल क्यों जाते रहते हैं? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले महीने 3-4 बार मेरे रिक्शे से गए थे भाभी। वो मरीज के परिजनों से भी मिलते रहते हैं। हाँ भाभी, वो शायद हमसे नाराज हैं, आपको एक बार उनसे मिलना चाहिए। अबे क्या है, तुझे मैंने कितनी बार बोला है मुझे शीश वाले नारियल चाहिए, शीश वाले नारियल, तेरी समझ में नहीं आता मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ? सर वो शीश वाले नारियल तो पूजा के लिए होते हैं, आप पूजा करेंगे? अबे तुझे क्या करना है, मैं कुछ भी करूँ, तुझे जितना बोल रहा हूँ उतना सुन। आज के लिए रख रहा हूँ, लेकिन कल मुझे और शीश वाले नारियल चाहिए, समझा? तो आप यहां तक पहुंच ही गए, सच्चाई का पता आपने लगा ही लिया। मास्टर जी, आप तो ये सब चीजों में
विश्वास नहीं करते ना? हाँ, मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। ऐसा कहना पड़ता है क्योंकि यही सबसे सुरक्षित बहाना है। ये आप किसकी नजर में नहीं आते, किसको आप पे शक नहीं होती, और आपकी नजर 2400 घंटे आपके शिकार पर रहती है। समझे? 3 सालों तक तांत्रिक शक्तियों को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा हूं, पूरे 3 सालों से। अब जाकर ये शक्तियां मेरे वश में आई है, अब जाकर मैं इनसे पैसे कमा रहा हूं। इतनी आसानी से आपको सब कुछ खत्म नहीं करने दूंगा बाबे। ऐसी बहुत सी तरकीबें सीखी है मैंने। गोट, गला गोट और इसकी जान ले, मार दे से। अब तू देख बाबे, कैसे कैसे निशे तेरे आंखों के सामने तेरी बेटी को तड़पा तड़पा के मारेगी, और तू कुछ भी नहीं कर सकेगी, कुछ भी नहीं। तेरी ये बेटी तो बहुत ही कमजोर है। बड़ी वाली ने तो फिर भी कोशिश की थी पूरी तरह से वश में आने के लिए, लेकिन ये तेरी तरह कमजोर है, इस गांव की तरह कमजोर है। अगर माँ की जिद ना होती तो मैं क्या, शायद गांव का कोई भी इंसान उस काली शक्ति से नहीं बचता, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि अविनाश सर, जिनको सब गांव वाले इतना मान सम्मान देते हैं, वो ऐसा करेंगे। बाबूजी के आने के बाद हम गांव छोड़कर शहर आ गए। दीदी के बिना मन नहीं लग रहा था। आज माँ और बाबूजी कोई भी नहीं रहे, बस मैं हूँ, और चाहते हुए भी आज तक उस घटना को नहीं भूल पाती। बस हर घड़ी मन में यही डर लगा रहता है कि कहीं रात में कोई आवाज तो नहीं दे रहा।